नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके अभी तक पैनल आ रहे थे एक के बाद एक, और उसके बाद में अब आपके ऑफिशियली रूप से ज्वाइनिंग लेटर आने लगे हैं। आरआरबी भुवनेश्वर जोन से आपका ज्वाइनिंग लेटर फर्स्ट आया हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे कैसा ज्वाइनिंग लेटर है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स के आपने डीवी में दिखाए वो चलेंगे या फिर कुछ नए बनवाने पड़ेंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको नए चाहिए, आपका प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, ट्रेनिंग पीरियड कहाँ होगा, कहाँ ट्रेनिंग आपकी चलेगी, कब से स्टार्ट होगी, इन बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इन वीडियो में और काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये केवल भुवनेश्वर के लिए नहीं है, ये तकरीबन सारे, मैं इस चीज़ में इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि जितने भी जोन हैं, ठीक है, जितने भी आरआरबी जे के कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्रेनिंग पे जाना है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन सबके लिए सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, जो रूलिंग है सबके लिए सेम होगा, डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम होगा। तो प्लीज़ सब देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है, आपके पास में कुछ समय होना चाहिए। ऑल्दो आपको समय देंगे, तकरीबन वन मंथ का टाइम होता है ट्रेनिंग आपके स्टार्ट होने से पहले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती जो आपको बनवानी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको समय चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वहाँ पर आपको पता लगेगा आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करके देखिए। सबसे पहले ये आपका आरआरबी भुवनेश्वर से आया हुआ है, प्रोविजनल टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट है। देखिए, पहला ही वर्ड आपका लिखा हुआ है टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, ये आपका टेम्प्रोरी है। अनटिल अनलेस जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड को पूरा का पूरा अच्छे फाइनली तरीके से करने के बाद में जो वहाँ पर एग्जाम्स होंगे उनको निकालेंगे, जब क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आप परमानेंट होगे और परमानेंट प्रोबेशन में चलोगे। वन मोर थिंग, परमानेंट आप प्रोबेशन में चलोगे और प्रोबेशन पीरियड आपका अप टू 5 ईयर्स होता है। 5 ईयर्स तक आप प्रोबेशन में होगे, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो तब भी आपकी जॉब टर्मिनेट की जा सकती है। तो इसीलिए आप फर्स्ट ही आपको दिखा दिया कि टेम्परेरी है, अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो टेम्परेरी, जैसे फाइनल जो आपके एग्जाम्स होते हैं और समय समय पे जो एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे उनको आप क्वालिफाई करेंगे, जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश कंप्लीट होगी उसके बाद आप वहां पर जाके जब स्टाफ में सम्मिलित होगी तो परमानेंट आप तरीके से प्रोबेशन में अपने आप को मानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है, आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन इंपैनल्ड बाय आरआरबी भुवनेश्वर फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट स्टोर्स इन लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक 7 सीपीसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारा आपके सामने है, आप बड़े आराम से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब आप जाएंगे तो जैसा आपने डीवी करा रखा है ऐसे ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने पड़ेंगे। उतना डीपली तरीके से आपका डीवी ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाने पड़ेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में वहां पर सेपरेट डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। नंबर दो पॉइंट आप देखें, यू विल हैव टू कंप्लीट ऑल फॉर्मेलिटीज एज इंडिकेटेड इन दिस लेटर बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट एफर्ट्स विल बी मेड टू absorb you in the regular cadre. देखिए important thing है, in the regular cadre of this railway as DMS after successful completion of training and probation subject to availability of vacancy and your suitability, ठीक है। देखिए ये तो खैर इस वैकेंसी के सीन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, until unless क्यों नहीं, ये देखिए पॉइंट लिखने का मतलब ये होता है, लेट कंसिडर मान लीजिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बाद में कोई परिवर्तन होता है और वैकेंसीज कुछ कम कर दी जाती, तो उन केस में ये हो सकता है कि ऑफ वैकेंसीज लिखा है, अदरवाइज जब वैकेंसी होती तभी कोई भी भर्ती निकाली जाती, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ लिखने का पॉइंट ये है कि लॉजिकल कल को लीगल इंप्लीकेशन है, मान लीजिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है और उस पोस्ट की पार्टिकुलर वैकेंसी उस जोन में कम कर दी जाती हैं, तो क्या होगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो नहीं किया जा सकता, निकाला जा सकता है उस समय, ऐसे लोगों की जो जैसे ट्रेनिंग पीरियड पे हैं उनको आप वेटिंग में डाल देंगे, इस केस में हो सकता है, बहुत रेयर केस है वो। एन और सुटेबिलिटी मतलब अगर आपने पास किया है तो ये आप जाओगे, अदरवाइज नहीं जा सकते वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं हम तीन नंबर पॉइंट देखते हैं। तीन नंबर पॉइंट ये बोलता है, यू विल ड्रॉ स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एट द एक्सटेंट रूल्स। क्या होते हैं आपको सभी को पता है, पे लेवल 35,400 से स्टार्ट आपकी हो जाती है और उसके ऊपर आपको जो डी ए ओनली वो एडमिसेबल होगा स्टाइपेंड के तौर पे, और कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग एल्स। तो ये सब कुल मिला के आपको 40,000 रुपये पर हैंड आपके मिल जाएंगे, तो बड़े आराम से आप 40,000 बहुत एक हैंडसम अमाउंट होती है, उसको लेके इन्जॉय आप करिए। पाँचवा नंबर देखिए, अब पाँचवा नंबर की अगर हम बात करें तो पाँचवा नंबर आपका क्या आता है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिफ्थ नंबर आपका बोला जा रहा है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ऑफ एंड केयर ऑफ गवर्नमेंट मनी गुड्स एंड स्टोर्स एंड ऑल द प्रॉपर्टी दैट मे हैव बी इंटरेस्टेड टू यू। दिस अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेबल ऑन 14 डेज नोटिस ऑफ आइदर साइड, बट नो सच नोटिस विल बी रिक्वायर्ड इफ द ट्रेनिंग पीरियड इज टर्मिनेटेड ड्यू टू योर मेंटल और फिजिकल इम्प्लीज। अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आपको हो जाती है फिजिकल या मेंटल, अब एक चीज़ थोड़ा सोचिए यहाँ पर, बाद में बताऊँगा आपको, मेंटल प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम इज़ बीइंग कॉज्ड बाय रेलवे, अगर रेलवे की ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो आपका हक नहीं, लेकिन बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम सेल्फ आपकी वजह से अगर हो जाती है उस दौरान में आपको टर्मिनेशन रेलवे कर देगी, 14 दिन का नोटिस देगी, आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बाद में पता लगे किसी को मेंटल कोई दौरे या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, बाद में समझ में आए उनको दिख जाए, क्योंकि
उस समय मेडिकल में नहीं पकड़ा, बाद में अगर वो पकड़ में आ जाती तो फिर आपका टर्मिनेट हो जाएगा। यू मस्ट बी प्रिपेयर टू गो ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी स्टेशन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, आपको ईस्ट कोस्ट रेलवे के किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी स्टेशन आपको अलॉट हो सकता है जो आपकी जून के अंदर आएगा। अंडरस्टूड। यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू सर्टिफिकेट्स ऑफ करेक्टर, अभी क्या होगा जो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट है आपका, नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी ग्रांटेड फॉर ज्वाइनिंग। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है आपका जो पेज 2 है, नेक्स्ट जो पेज है आपका उसमें अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है आपकी, सब्जेक्ट टू एससी एसटी ओबीसी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें जब आप दोबारा प्रोड्यूस करोगे वेरीफाई सब हो जाएंगी, उसके बाद ही आपका जो अपॉइंटमेंट ये लेटर है वो वैलिड माना जाएगा और आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा या ट्रेनिंग की आपकी डेट इंटीमेट आपको कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, यू विल बी गवर्न बाई न्यू पेंशन स्कीम। आप सभी को पता है जो 1 जनवरी 2004 से जो पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है उन्हीं की वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, आपके लिए कोई दूसरी पेंशन स्कीम नहीं है। 10 नंबर पॉइंट से इफ़ इन ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली रिफर्ड अबव योर सर्विस विल बी गवर्न बाई द प्रोविजन ऑफ द इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड एंड एक्सटेंड ऑर्डर टू एन अमेंडेड एंड इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, सारी तो नॉर्मल चीज़ें हैं। 11 नंबर है कि देखिए ये एक ऐसी है कि मान लीजिए अगर आप, ये सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 11 नंबर आपका पॉइंट है जो इस लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि भाई मेरे को उन्होंने भेज दिया है। और ये लेटर मैं आपको बता दूं, ये लेटर बाई पोस्ट नहीं आया हुआ। अगर आप ये सोचिए कि ये बाई पोस्ट है, ये बाई पोस्ट आपका लेटर नहीं आया, ये आपका ईमेल में मैंने आपको पहले इंटीमेट किया था। आपको तीनों टाइम पर तीन जगह से कन्फर्मेशन आएगी। कैसे? फर्स्ट आपको फिजिकली बाई पोस्ट भेजा जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको भेजा जाएगा ईमेल के ऊपर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है, और थर्ड आपके ऊपर जो मोबाइल आपका है रजिस्टर्ड मोबाइल उसके ऊपर इंटीमेशन आएगा कि योर ज्वाइनिंग लेटर हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तीनों से क्यों? क्योंकि हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कोई एक ऐसा मीडियम हो जिसकी वजह से आपका ज्वाइनिंग लेटर लैप्स हो जाए, या फिर मान लो आपको बाई डाक या पोस्ट से बहुत डिले मिले आपको, क्योंकि तकरीबन अब एक क्वेश्चन आता है कि जिस डेट को इशू होता लेटर उससे कितने दिन का समय मिलता है, उससे एग्जैक्ट आपको तकरीबन 30 डेज का समय दिया जाता है। हम देखेंगे साइन किया हुआ लेटर किस डेट को साइन है, तो ये 30 तारीख करीबन एक महीने का समय देते हैं। मान लीजिए उन्होंने वहाँ से जाकर डाक डिस्पैच किया और आप ऐसी जगह पर रह रहे हो, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपको इतना ज़्यादा समय निकल चुका, जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं उनके लिए आपको समय नहीं मिल पाया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए वो तीनों जगह बाय पोस्ट भी आपको भेजेंगे, ईमेल से भेजेंगे तुरंत मिल जाएगा, और उसके बाद मोबाइल पे भी आपको इंटीमेशन देंगे। तो इसीलिए प्लीज अपना ईमेल का फोल्डर चेक करते रहिएगा, हो सकता है शायद जंक मेल या कहीं पर यहां वहां वो जा सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये चीजें आपको समय, देखिए ये क्या इन्होंने लिख रखा है कि आपको ऑन भुवनेश्वर आपको रिपोर्ट करना है इस जगह पर, यहाँ पर ऑन और बिफोर 10 फरवरी यानी 10 फरवरी या उससे पहले पहले किसी भी वर्किंग डे यानी संडे को छोड़ दीजिएगा, किसी भी वर्किंग डे पे जाके वहाँ पर आप अपनी ज्वाइनिंग को कंफर्म करा सकते हैं। यानी आज 11 तारीख है, ये 9 तारीख का साइन किया वो लेटर है, तो कुल मिला आपको 30 डेज दिए जा रहे हैं यहाँ पर, 30 डेज आपका वहाँ पर लास्ट डेट है। अगर इस डेट तक आप रिपोर्ट नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा कि आप इस जॉब लेने के लिए आप इच्छुक नहीं हैं। ठीक है, 12 नंबर है आपका, एवरी इंडिविजुअल है अपॉइंटमेंट है वो प्रोबेशन पे रहती है। और दूसरी बात, आपको टीए के लिए, टेरिटोरियल आर्मी होती है, इंडियन आर्मी की एक विंग है ये, ठीक है, जो प्रादेशिक सेना इसको बोलते हैं, उसमें आप 7 साल की सर्विस, रेलवे का एक बॉन्ड होता है, मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी रेलवे है उनमें से किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति है उसको 7 साल तक बॉन्डेशन होती है कि वो कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप करेंगे, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आपको 7 साल सर्विस टीए के साथ करनी पड़ती है, ये पूरे ऑल ओवर रेलवे का है, ठीक है, केवल आपके पोस्ट के लिए नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक, ओके, ये चीज़ है। और उसके बाद में कि आप करेंगे, अगर मान लीजिए आपके खिलाफ़ लेटर ऑन स्टेज के ऊपर जो 3 नंबर पॉइंट है, किसी भी टाइम पे ये पता लगता है कि आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई थी, या फिर मान लीजिए आपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन में चीज़ें भरी हैं वो गलत हैं, तो आपकी जॉब को टर्मिनेट उस कंडीशन में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये लेटर कितने तारीख को साइन हुआ है आपका। देखिए जब नीचे हम इसको करेंगे तो फिर ये आरएन, देखिए क्या है ये जो आपके आरएन फरीदा जी ने, ये 9 जनवरी 2020 यानी फरसों ही लेटर ये साइन किया हुआ है। ओके, ठीक है, उसके बाद में ये पार्ट हुआ, आपको यहाँ पर अपना प्लेस डेट और उसके बाद में सिग्नेचर कैंडिडेट और नाम भर के ये चीज़ वहाँ पर ले जानी है। ठीक है, तो ये आपका 2 पेज का आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया है, तो ये भुवनेश्वर का आया। अब उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर भुवनेश्वर, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग होगी सबको सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो आपने डीबी में चेक कराई थी वहीं सारी चीज़ें आपके यहाँ पर लगेंगी। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट सफिशियंट। अब आप लोगों के पास में जिनके पास डिग्री नहीं थी उन्होंने प्रोविजनल बना के डीबी में काम चला लिया था, लेकिन यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तो बी एक्टिव,
जो भी व्यक्ति जिन्होंने जिनका सिलेक्शन हो गया, वेदर वो वेटिंग में हो या फिर मेन, क्योंकि अभी तक आपको ये कंफर्म नहीं है, तो प्लीज़ आप सभी लोग प्रोविजनल की बजाय अपनी ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्रोच कर दे इमीडिएट, एज सुन एज पॉसिबल, जैसा भी मुमकिन हो, ठीक है। बात नंबर दो, अटेस्टेशन फॉर्म 3 सेट देख लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। 2, करेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएंगे, लेकिन ये कहाँ से बनेंगे, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो आपका स्कूल, ठीक है, जिस स्कूल के अंदर लास्ट, चाहे इंस्टीट्यूशन हो आपका जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, जहाँ से आपने डिग्री की है बीटेक की, जिस इंस्टीट्यूशन से आपने की है, उनके हेड से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 2 बनवा के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ से बनेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो उनका वो है, और उसके बाद में उनको काउंटर साइन किस कौन करेगा, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM या SDM, ये उनको काउंटर साइन करेंगे। पहले इंस्टीट्यूशन आपको सर्टिफिकेट बना के देगा ऑलरेडी, उसके बाद उस पर काउंटर साइन DM, SDM या फिर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनसे आप काउंटर साइन करवा लीजिएगा। खैर ये काउंटर साइन कर दें क्योंकि सिलेक्शन आपका हो गया, बहुत प्रेस्टीजियस जॉब है, कोई इशू इसमें नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं बाद में फिर आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए प्रोफॉर्मा लेके आराम से उनको बनवा लीजिएगा। फिर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड द प्रोफॉर्मा इंक्लोज फॉर SC ST कैंडिडेट, जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट था वो ओरिजिनल चाहिए आपको, ठीक है। इस बार एफिडेविट से कोई काम नहीं चलेगा, और 100% मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार एफिडेविट कहीं पर भी नहीं लगेगा आपको। अगर आप सोचें कि आपके पास ये नहीं, तो आप एफिडेविट अब बनवा लीजिए, काम चल जाएगा, इस बार नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ओके। फिर इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, 5 आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आप ले जाएगा। यू में ब्रिंग इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कोई भी एक आईडी कार्ड, चाहे पर वो वोटर आईडी हो आपकी, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, एनी ऑफ थिंग, कोई भी एक आपकी आईडी वहाँ पर लगेगी, ठीक है। और डली फिल्म सर्विस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेल पर मिल जाएंगे, बॉन्ड का भी फॉर्मेट मिल जाएगा। अब बॉन्ड में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए बॉन्ड में इंपॉर्टेंट ये है कि आप 5 साल के लिए भरेंगे, 5 साल के लिए रेलवे में प्रोवेशन में रहेंगे, 5 साल तक आपको रेलवे में जॉब करना मस्ट है, 5 साल बाद ही आप रेलवे की जॉब को क्विट कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप क्विट करते हैं, यू कैन क्विट, अगर आप उसके पहले क्विट करते हैं, तो चाहे आप ट्रेनिंग में क्विट करो या 5 साल के ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में 5 साल के पहले क्विट करो, तो आपको जितना भी, अगर ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट करते हो तो जितना भी स्टाइपेंड है, ठीक है, जितना भी स्टाइपेंड है इंक्लूडिंग 12.5% साढ़े 12% इंटरेस्ट लगा के, तो स्टाइपेंड में आपका DA इंक्लूड होता है ना, साढ़े जो भी अमाउंट आपने लिया है, अगर 8 महीने तक आपने नौकरी की, मान लो ट्रेनिंग की है, तो 8 महीने गुणा 40,000 आपको मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, 3,20,000, इसके ऊपर 12.5% का आपका इंटरेस्ट लगा के ये चीज़ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और एक सर्विस बॉन्ड में एक चीज़ और लिखी होती है कि वो ट्रेनिंग के ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो भी ले सकते हैं, मतलब कि ये तो उन्होंने आपको दिया है, उसके बाद आप वहाँ रहे हो, आपको उन्होंने ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसमें जितना भी खर्चा आता है वो भी लिया जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं, लेकिन वो भी लिया जा सकता है, अगर रूलिंग ये बोलती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जॉब करने लगते हो तो आपको पता है स्टाइपेंड के बाद जो भी आपको ट्रेनिंग के बाद में आप जैसे रेगुलर हो जाते हो, जो भी अलाउंसेस आपको ऑथराइज होते हैं सारे मिलते हैं, और जितना भी सैलरी आपने ली है उतने सारे से 12.5% लगा के वो डिडक्ट आपसे कर लिया जाएगा, वो अगर आप जॉब को क्विट करते हो। अगर आप रेलवे टू रेलवे ट्रांसफर हो, तो लेट कंसीडर मान लीजिए आगे अगर आप रेलवे में हैं और वहाँ से कोई और हायर ग्रेड पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से आप स्विच कर सकते हो, उस समय कोई ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप क्विट करके रेलवे से कहीं और जाते हो, स्टेट में आपका मान लीजिए ISPCS ऐसी कोई जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, या आप नहीं चाहते हो, आप स्टेट लेवल की कोई जॉब प्रीफर करते हो, चाहे वो लेवल 6 की भले उससे जूनियर हो, लेकिन फिर भी आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादा समय लगता है, और उसके बाद में समय के साथ साथ आपको पैसे भी पे करने पड़ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है आपको, इसलिए आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप बिना अपनी आप मर्जी से नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपको ये सब चीजें पे करनी पड़ेगी, यही होता है बॉन्ड, और उसमें 5 साल का आपका बॉन्ड आपका भरवाया जाता है, ये JEE भरवाया जा रहा है, कई बार उन्होंने 3 साल का बॉन्ड भरवाया था, लेकिन ये इस बार जो आपका JEE है वो 5 साल का बॉन्ड आपसे भरवा रही है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। तो आई होप आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, ठीक है, कि आपका ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग कहाँ की होगी, तो ट्रेनिंग आपकी होगी ZRTI, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपकी होती है, वहां पर होगी। यहां पर एक चीज बहुत मस्ट है आपके लिए जानना, बहुत मस्ट है, यहां पर आप इस धोखे में मत रहिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो सीनियरिटी यहाँ से लेके जाओगे वहाँ पर वो सीनियरिटी आपकी एप्लीकेबल होगी, नो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ से 100 लोग अगर ट्रेनिंग पे जाते हैं, लेट कंसीडर मैं DMS के लिए, मैं केवल ओनली दैट इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट DMS, ठीक है, क्योंकि हर अपनी पोस्ट की अपनी अलग अलग है, PVA की अलग होगी, वर्क्स की अलग होगी। अब DMS के आदमी अगर 100 जाते हैं यहाँ पर, तो जिसमें कोई ऐसा भी होगा जो फर्स्ट में होगा टॉप में, जिसमें मेरिट इंडेक्स सबसे ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज,
वो अगर आप JITI में जाते हो तो जो 100 नंबर कैंडिडेट है, अगर मान लो वो जा रहा है और वहाँ पर उसने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग दौरान जब लास्ट में एग्ज़ाम होती है वहाँ पर भी आपकी रैंकिंग होगी, वहाँ नंबर मिलेंगे, वहाँ पर जो 100 नंबर वाला है वो फर्स्ट आ जाता है और जो ये नंबर वन वाला है वो मान लो 50 नंबर चला जाता है, तो सीनियरिटी फर्स्ट वाले की मानी जाएगी। ये जो 100 नंबर है वो फर्स्ट नंबर पर जब आप अपने पर्सनल ऑफिस ट्रेनिंग करने के बाद वापस जोन में रिपोर्ट करोगे, डिवीज़न में सॉरी, जैसे आप डिवीज़न जाओगे वहाँ पर्सनल ऑफिस जाओगे वहाँ सीनियरिटी आपकी लगेगी, उस सीनियरिटी से प्रमोशन आपका होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर 100 में से मान लो 25 आपके यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है, 25 में जिसकी JITI में टॉप वन रैंक होगी वो फर्स्ट में प्रमोट होगा, वहां जाके उसकी सीनियरिटी नंबर वन पे लग जाएगी, और जो 25वां होगा लास्ट वाला होगा जिसके सबसे लास्ट में नंबर आएंगे यूआर कैटेगरी के वो 25 नंबर पे होगा। यानी इस वाले लास्ट वाले व्यक्ति से प्रमोट जब इस 24 आदमी उसके पहले वैकेंसी में प्रमोट हो जाएंगे तब इसका नंबर पड़ेगा। अब यहाँ इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, आप ये समझो एक दिन के एक साथ के आप इनरोल हो, समझिए बात को, एक दिन के एक साथ के आप इनरोलमेंट होके जाओगे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचोगे अगर JITI में आपकी सही से मेहनत नहीं होगी तो आपको जब प्रमोशन होगा तो वैकेंसी ऐसे नहीं होती कि एक साथ 25 वैकेंसी आ गई और 25 लोगों को प्रमोट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक दो तीन ऐसी वैकेंसी आती रहती, प्रमोशन चलता रहता। तो ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी देखा गया कि आप लोगों के साथ एक साथ भर्ती हुए लोगों के बीच में प्रमोशन में दो दो तीन तीन चार चार साल का गैप हो जाता है, वो इस वजह से होता है, ये लॉजिकल रीज़न उसके पीछे होता है। तो इसलिए प्लीज़ इस धोखे मत रहिएगा कि सीनियरिटी आपकी वहाँ होगी, सीनियरिटी आपकी JITI के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग आपकी कब से स्टार्ट है, जैसे मैंने आपको बोल दिया 10 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो विद इन वन वीक के भीतर आपकी ट्रेनिंग के लिए वो पैनल बना के एक साथ ही उनको बंदों को भेज देंगे, ठीक है, आप जाइए, ठीक है। ट्रेनिंग कहाँ होगी मैंने बता दिया। ट्रेनिंग पीरियड तो DMS की ट्रेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 51 वीक्स यानी करीबन एक साल मान के चलिए, और अलग अलग जगह पर अलग अलग वीक्स की ट्रेनिंग आपकी होगी, मतलब कई जगह दो चार जगह आपकी आपकी होगी, क्योंकि जो आपकी जो ट्रेड है वो इस टाइप की है, दो चार जगह आपकी ट्रेनिंग कहीं पर 10 वीक की, कहीं 5 वीक की, कहीं 4 वीक की, ऐसे ऐसे करके आपकी ट्रेनिंग होगी, करीबन 50 वीक या 1 ईयर आप मान लीजिए ट्रेनिंग पे आप रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट दें। और दो चार लोगों के क्वेश्चंस थे मेरे पास में, लेकिन चूंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो उनको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में शामिल करूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।